Hello everyone, so today we are going to start our new chapter, Forest and Wildlife Resources. So let's get started. The existence, progress and development of man is depend on resources. कि इंसान का existence है, उसका जो progress है, उसका जो development है, वो पूरा resource के ऊपर dependent है. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times. के हम जितनी भी कुदरत से हम जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं तो वो सब तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं कि हम अपनी जितनी भी नीड्स हैं वो हम नेचर में से कंप्लीट कर रहे हैं. वेर इन द फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. कि जो जंगल है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है. अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स और हीप्स ऑफ ग्रास. कि अगर हम फॉरेस्ट का मीनिंग निकालें कि उसका मतलब क्या होता है, तो उसमें ट्रीज आते हैं, स्क्रब्स और हीप्स मतलब कि जो झाड़ियाँ जिसे कहते हैं, बहुत सारे ग्रास साथ में मिलके जो बनाते हैं वो, तो ये सब साथ में मिलके एक फॉरेस्ट बनाते हैं. इन नेचुरल वेजिटेशंस ओनली दैट वेजिटेशंस इज इंक्लूडेड विच कैन बी रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन. नेचुरली वेजिटेशंस मतलब कि ऐसे ट्रीज ग्रो करते हैं कि जो नेचुरली ग्रो हुए हों फॉरेस्ट के अंदर, कोई इंसान ने ग्रो ना किए हों, उसको नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं, जिसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं होता है, कोई भी रोल प्ले नहीं करता है वहाँ पे इंसान. दिस इज़ कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशंस. के इसको अक्षत मतलब वर्जिन का मतलब निकाले तो यहाँ पर आएगा अक्षत, तो इसको वर्जिन वेजिटेशंस कहते हैं. नाउ such vegetations in India is available only in Himalayas, Sundarban and remote areas of Thar Desert. कि अगर हम इंडिया में बात करें ऐसे वेजिटेशंस की, तो वो सिर्फ हिमालय में देखने को मिलते हैं, सुंदरवन में देखने को मिलते हैं, और रिमोट यहाँ पे मतलब आएगा मतलब कि दुर्गम, मतलब कि जो ऐसे डेजर्ट पोर्शन होता है तो उसको हम कह सकते हैं. तो थार डेजर्ट के जो कुछ एरिया है, यहाँ पे ऐसा वेजिटेशंस देखने को मिलता है. नाउ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. कि अगर हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करें तो उसको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है. यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9. कि क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग भी फॉरेस्ट के डिवीजन किए जाते हैं, तो ये आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में पढ़ लिया होगा कि उसका क्लासिफिकेशन क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग कैसे होता है. हियर वी विल नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कि यहाँ पे हम 3 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे कि जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप और मैनेजमेंट के बेसिस पे होता है. ना टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. कि पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली जो फॉरेस्ट के टाइप हैं उसके बारे में देखते हैं. फर्स्ट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट मतलब कि जिसको अनामत दे दिया गया है, जिसका रिजर्वेशन हो चुका है. सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली. कि ऐसे फॉरेस्ट होते हैं कि जो अंडरटेकन होते हैं गवर्नमेंट के डायरेक्टली. हियर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ लिम्बरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स फॉर और फॉर पैश्चरिंग. कि यहाँ पे वुड को लिम्बरिंग मतलब कि काटना, कलेक्शन मतलब कि उसको लेना, कि उसके ऊपर पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शंस होता है. और यहाँ पे पैश्चरिंग भी नहीं किया जाता, मतलब कि जो एनिमल्स को वहाँ पे खाने के लिए लेके जाते हैं तो वो भी वहाँ पे मना होता है कि वो नहीं करना होता है. सेकंड वन इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. कि जो संरक्षित है. दिस फॉरेस्ट
these forests are looked after by the administrations. कि ऐसे टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं उसकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशंस बनाया होता है, वो होते हैं. लोकल पीपल आर प्रमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेस द एनिमल्स विदाउट कोजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज. कि यहाँ पे जितने भी लोकल पब्लिक रहती हैं, जो पीपल्स होते हैं, उसको परमिट किया जाता है कि वुड को ले कलेक्ट करें, काटे ना, सिर्फ कलेक्ट करें. कि वहाँ पे जो पड़ा है और आपको लेना है तो आप ले सकते हैं. ग्रेजिंग एक्टिविटी भी होती है, पर कैसे होती है कि वहाँ का जो पूरा एरिया है, जो ट्रीज है, उसको हार्म ना पहुँचे. ऐसे ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में किया जाता है. एंड द थर्ड वन इज़ अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट, मतलब कि अवर्गीकृत फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासीफाइड. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रीज फैलिंग और एनिमल ग्रेजिंग्स. कि ऐसे फॉरेस्ट के जहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन के लिए या तो रिजर्वेशन के लिए कुछ भी अभी तक किया नहीं होता है, वहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ट्रीज को काटने में या तो एनिमल ग्रेजिंग के लिए. Now talking about classification of forest according to ownership, administrations and management. The forests of India are classified into three types on the basis of ownership, administrations and management aspects. कि इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट हैं वो थ्री टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं. एक तो ownership, मतलब कि मालिकी की दृष्टि पे. सेकंड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जहाँ पे वहीवट चलता हो. और थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट एस्पेक्ट के ऊपर, कि जिसको व्यवस्था के तौर पे डिवाइड किया गया हो. फर्स्ट इज़ स्टेट फॉरेस्ट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट. कि स्टेट फॉरेस्ट मतलब कि स्टेट मतलब कि राज्य, तो वहाँ पे सेंट्रल का या तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है ऐसे फॉरेस्ट के ऊपर. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी. कि मोस्टली जितने भी फॉरेस्ट हैं कंट्री में, तो वो सारे स्टेट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, उसके अंडर में ही आते हैं. सेकेंड वन इज़ कॉम्यूनल, मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट, के जिसका एक समुदाय होता है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट. कि ऐसी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, तो उसके अंदर जितना भी सेल्फ गवर्नमेंट बोले, ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटी है, कॉरपोरेशन है, या तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, तो वो इसका, ऐसे जितने भी फॉरेस्ट हैं उसका देखभाल सेल्फ गवर्नमेंट करती है. एंड द थर्ड वन इज़ प्राइवेट फॉरेस्ट. सच अ फॉरेस्ट इज़ ओन बाय इंडिविजुअल्स. कि ऐसे जो मतलब कि पर्सनली किसी का हो, पर्सनली किसी की मालिकी का हो, तो ऐसे फॉरेस्ट इन लोगों की मालिकी के नीचे आते हैं. सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. कि ऐसे फॉरेस्ट देखा जाए तो वो स्पेशली ओडिशा के अंदर, मेघालय में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं. सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन हैपेजर्ड कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बर्न. कि ऐसे फॉरेस्ट होते हैं उसका कोई भी ठिकाना नहीं होता है, मतलब कि बहुत ही रफ कंडीशंस में होता है. और मोस्टली वहाँ पे उजड़ पूरा एरिया बोलते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं. तो मोस्टली प्राइवेट फॉरेस्ट में ऐसा होता है. अभी बात करते हैं डिफॉरेस्ट्रेशंस की. डिफॉरेस्ट्रेशंस मीन्स द डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट. कि डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कि फॉरेस्ट का नष्ट हो जाना. दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन, बट इज़ वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम. कि ये सिर्फ हमारे कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है डिफॉरेस्टेशन होना, वो पूरे ग्लोबल के ऊपर इफेक्ट करता है ये प्रॉब्लम. इट कैन बी सेड दैट इट इज़ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन. कि इंसान का जो प्रोग्रेस है, बस यही ये चीज़ दिखाता है कि डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है. ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, हाउएवर इट इज़ निग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस.
कि नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन होता है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि मेन मेड भी हो, पर दोनों का कंपैरिजन करें नेचुरली और मेन मेड, तो उसमें जो मेन मेड हो रहा है सिर्फ इंसान की वजह से हो रहा है, वो हम उसको इजीली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो मेन मेड होता है उसका जो विनाश होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कि उसकी असर कितनी हो रही है डिफॉरेस्टेशन की। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड कि डिफॉरेस्टेशन की जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमोसफियर कि डिफॉरेस्टेशन हो जाने की वजह से आपको पता है कि जब भी आग लगेगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलेगा, तो वो एटमोसफियर के अंदर बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने की वजह से, कि जो एटमॉस्फेयर में हर एक गैसियस का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, अगर बैलेंस बिगड़ा तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो आपने ऑलरेडी ये कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये आप पढ़ चुके हो। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। With the removed forest cover the soil is eroded and the problem of farm fertility decreases. कि हमने आगे के चैप्टर में देखा कि सॉइल इरोजन हो जाने की वजह से कितने प्रॉब्लम फेसिस करने पड़ते हैं, तो सेम यहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर पूरा चला जाएगा तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इन द ऑफ पेनिनसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया हैज़ डिक्रीज्ड लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन के पेनिनसुलर मतलब कि द्वीपकल्पीय, तो ऐसे अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही डिक्रीज हो गया है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लॉस्ट देयर एबोड्स मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स, तो उन्होंने अपना जो रहने की जगह है, एबोड्स मतलब कि रहठाण जिसको हम बोल सके, आवास जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है, तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से मेन थिंग ये हो जाता है। एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर कि डिफॉरेस्टेशन हो जाने की वजह से उनके पास उनका रहने का जगह ही नहीं होगा, वहाँ पे खाने के लिए या तो पानी के पीने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, अर्बन जगह पे आएंगे, अर्बन मतलब कि जहाँ पे इंसान रहते हों, तो वो अपने खाने की तलाश में या तो पानी की तलाश में आ जाते हैं। मोर इंटेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दो शेफर्ड्स हु लिव नियर द फॉरेस्ट कि मेन डिफॉरेस्टेशन होने जाने की वजह से जो कार्निवोरस एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो खाने की तलाश में वो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे जाएंगे। तो मोस्टली कौन से लोग उसके निशान पे आते हैं, मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया के पास में जितने भी शेफर्ड्स रहते हैं तो वो आते हैं, तो वहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे उन लोगों के, तो वो वाइल्ड एनिमल्स उनको मार के ही खाते हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन हो जाने की वजह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जिसको हमें फेसिस करना पड़ता है। अभी कुछ रेमेडीज़ हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।